नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टी सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी शैल लर्न अबाउट चैप्टर 2 एडिशन, पेज नंबर 31, सब्जेक्ट पर द क्लास सेकंड। स्टूडेंट, क्लास सेकंड के पेज नंबर 31 के जो क्वेश्चन है आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, डी नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रीग्रुप द वंस इनटू टेंस, कह रहा है कि रीग्रुप करना है। रीग्रुप माने दोबारा ग्रुप बनाना है, ठीक है। द वंस इनटू टेंस को, ठीक है, वंस जो है उसको टेंस के रूप में फिर से लिखना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कह रहा है कि 15 वंस इक्वल टू, यहाँ ब्लैंक है, इतना टेंस होगा प्लस इतना वंस होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि 15 वंस को हम लोग वन टेंस और प्लस आई वंस लिखते हैं, ठीक है। 15 वंस को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट वन टेंस और आई वंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 15 वंस को स्टूडेंट हम लिखेंगे 1 10 एंड 5 वंस। इसी प्रकार स्टूडेंट देखिए यहाँ 18 वंस लिखा है, ठीक है, और इस बार यहाँ पर ब्लैंक है टेंस प्लस वंस, ठीक है। तो 18 वंस को स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, 18 वंस को हम लिखते हैं 1 10 1 10s और प्लस 18 वंस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार स्टूडेंट 18 वंस को हम क्या लिखेंगे, 1 10s और 8 वंस, क्या लिखेंगे, 8 वंस। देखिए 2 10s प्लस 16 वंस इजिकल टू, यहाँ टेंस कितना होगा और वंस कितना होगा, दोनों को जोड़ के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 10s तो सही है, हमको वंस को क्या करना था, वंस को टेंस में रीग्रुप करना था, ठीक है। यहाँ पर हम स्टूडेंट देख रहे हैं कि 16 वंस है, क्या है, 16 वंस। जिस प्रकार हम 15 वंस 18 वंस लिखा है, इस प्रकार यहाँ क्या है, 16 वंस है। तो 16 वंस को स्टूडेंट हम क्या लिखते हैं, 1 10s 1 10s प्लस 6 वंस, ठीक है। तो 1 10s और 6 वंस 16 को हम लिखते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट देखिए यहाँ पर पहले से ही 2 10s है, तो 2 10s में 1 10s स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो 2 10s प्लस 1 10s यानी कि यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट 3 10s और यहाँ पर देखिए क्या है, 6 वंस। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 वंस। आगे स्टूडेंट देखिए अगला जो 3 10s प्लस 14 वंस इक्वल टू, यहाँ टेंस ब्लैंक है वंस ब्लैंक है, इसको जोड़ कर लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर लिखा है 3 10s प्लस 14 वंस। स्टूडेंट 14 वंस को हम टेंस के रूप में बदलना है, ठीक है। तो 14 वंस को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 1 10s प्लस 4 वंस, ठीक है। 1 10 यानी कि 10 और 4 वंस का मतलब 4, इसको स्टूडेंट जोड़ेंगे तो हमारा होता है 14, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 वंस, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि 14 वंस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 10s 4 1। स्टूडेंट यहाँ पर पहले से ही 3 10s है, यहाँ पर 1 10s ऐड कर लीजिए, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 10s and 4 1s, क्या होगा, 4 10s and 4 1s। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन जो हमारा है 5 10s plus 10 1s इज इक्वल टू 6 10s, कितना वंस होगा स्टूडेंट यही लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर
फाइव टेंस है, यहाँ पर टेन वंस है। टेन वंस का स्टूडेंट हम क्या लिखते हैं, वन टेन को स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, वन टेंस, ठीक है, और प्लस जीरो वंस। वन टेंस को कितना लिखेंगे, टेन वन टेंस और प्लस जीरो वंस, क्योंकि दस के बाद तो कोई इसमें बच नहीं रहा है, ठीक है। तो दस के लिए क्या माने, तो वन टेंस, वन टेंस, और यहाँ पर देखिए पहले से ही फाइव टेंस है, तो वन टेंस और फाइव टेंस को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, सिक्स टेंस। और यहाँ पर देखिए कितना वंस बच रहा है स्टूडेंट, जीरो वंस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जीरो वंस, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट लिखा है सेवन वन, सेवन टेंस प्लस फोर्टीन वंस इक्वल टू एट टेंस, और यहाँ पर स्टूडेंट बताना है कि कितना वंस हो रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे, फोर्टीन वंस को स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, वन टेंस, फोर्टीन वंस को क्या लिखेंगे, वन टेंस प्लस फोर वंस, ठीक है। तो देखिए सेवन टेंस और ये वन टेंस कितना हो जाएगा, एट टेंस, और कितना वंस हो रहा है स्टूडेंट, फोर वंस। यहाँ पर क्या लिख देंगे, फोर वंस, ठीक है। आगे आप लोग देखिए एट टेंस प्लस थर्टीन वंस इज इक्वल टू टेंस, स्टूडेंट बताना है कितना होगा, प्लस थ्री वंस। देखिए थ्री वंस वहाँ लिखा है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए थर्टीन वंस को हम क्या लिखेंगे, थर्टीन वंस को स्टूडेंट हम लिखते हैं वंस, ठीक है, वन टेंस और प्लस थ्री वंस इक्वल टू थर्टीन वंस, ठीक है। तो एक टेंस और प्लस वन टेंस यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, नाइन टेंस और स्टूडेंट थ्री वंस। देखिए यहाँ थ्री वंस लिखा ही है। आगे स्टूडेंट लास्ट जो हमारे इसमें क्वेश्चन है, टू टेंस, टू टेंस प्लस ट्वेंटी वन वंस इक्वल टू कितना टेंस होगा, प्लस जीरो स्टूडेंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टू टेंस है और प्लस ट्वेंटी वन वंस, स्टूडेंट हम ट्वेंटी वन वंस में हम क्या लिख सकते हैं, कितना टेंस होगा, ट्वेंटी वन वंस में स्टूडेंट हमारा टू टेंस होगा, टू टेंस यानी ट्वेंटी, टू टेंस का मतलब क्या होता है, ट्वेंटी और प्लस वन वंस का मतलब होता है स्टूडेंट वन, यानी कि ट्वेंटी प्लस वन यानी कि ट्वेंटी वन वंस, ठीक है, ट्वेंटी वन वंस। स्टूडेंट हम ट्वेंटी वन वंस को क्या लिख सकते हैं, टू टेंस प्लस वन वंस, तो टू टेंस यहाँ और ये टू टेंस यहाँ, यानी कि हमारा कितना टेंस हो गया, फोर टेंस और प्लस हमारा कितना वंस यहाँ पर स्टूडेंट, वन वंस। तो देखिए यहाँ पर वन वंस निकल रहा है। तो इस प्रकार स्टूडेंट जो हमारा पेज नंबर 31 का जो क्वेश्चन नंबर डी था, रिव्यू करना था वंस को टेंस के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो स्टूडेंट खत्म हुआ। हम उम्मीद करते हैं ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट जो आप लोगों को बताया गया कि आप लोगों को समझ में आ चुका है, और इसमें स्टूडेंट बुक में कुछ सभी सवाल यहाँ पर हम लिखे नहीं हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अभी बुक में हम छोड़े हुए हैं, आप लोग उसे खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। और स्टूडेंट अगला जो हमारा क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में आप लोग को पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।